धरती पर देखा गया नर्क, हवा में उड़ा पूरा का पूरा शहर, आसमान हो गया रक्त से लाल। इस दुनिया में आए दिन एक से बढ़कर एक रहस्यमय घटनाएं होती रहती है जिन पर विश्वास करना काफी मुश्किल होता है, और कई घटनाएं तो ऐसी है जिन पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध भी की गई लेकिन वैज्ञानिक भी सही स्पष्टीकरण देने में असफल रहे। आज हम आपको दुनिया भर में हुई 7 अद्भुत नेचुरल घटना के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। चंबल विट्स। पृथ्वी पर पेड़ पौधों और झाड़ियों का निश्चित जीवन काल होता है जिसके बाद वो सूख कर खत्म हो जाते हैं। ऐसे में ये सूखे हुए पेड़ पौधे और झाड़ियां एक ही जगह पर रहते हैं जिन्हें आम नागरिक आग जलाने या फिर चारा बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही सूखी हुई झाड़ियां अपने आप दौड़ते हुए आपके घर तक पहुंच जाए और आपके आंगन में सूखी झाड़ियों का ढेर लग जाए। यकीनन इस घटना से आप भी घबरा जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था अप्रैल 2018 में जब लॉस एंजलिस के विक्टोर व्हील नाम के गांव में अचानक सूखी झाड़ियों की बाढ़ आ गई थी। दरअसल इस गांव के आसपास खाली मैदानों में टंबल विट्स झाड़ियां बड़े पैमाने पर उगती है जो सूखने के बाद बेहद ही हल्की हो जाती है और हवा के संपर्क में आने की वजह से आसानी से चलते हुए पहिए के रूप में बदल जाती है। ऐसे में जब विक्टोर वेल के नागरिक सुबह सोकर उठे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उनके पूरे गांव में टंबल विट्स की बाढ़ आ चुकी थी। गांव में 150 से ज्यादा के घरों के छत और आंगन में सूखी झाड़ियों का ढेर लगा हुआ था जबकि सड़कों पर भी ये झाड़ियां इधर उधर फैली हुई थी। गांव वालों की माने तो इस घटना से एक रात पहले तेज हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से ये झाड़ियां उनके गांव तक उड़ते हुए पहुंच गई होंगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इतनी ज्यादा मात्रा में टंबल विट्स कहां से आई होंगी जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों को कई दिन तक सूखी झाड़ियों को गांव से हटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी थी। वैज्ञानिकों की माने तो उस रात साउथ अमेरिका के रेगिस्तान में तेज हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से ये झाड़ियां उड़ते हुए कई किलोमीटर का सफर तय करके विक्टोर विल गांव में आ पहुंची थी। रोल क्लाउड्स। आपने आज तक आसमान में बादलों से बनने वाली विभिन्न प्रकार की आकृति जरूर देखी होंगी जिसमें किसी को घोड़ा नजर आता है तो किसी को इंसान। लेकिन क्या आपने कभी रोल की तरह दिखाई देने वाले बादलों का दीदार किया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें इस तरह की घटना सदी में कभी कभार ही होती है। साल 2016 में अमेरिका में लेक मिशिगन के ऊपर बादल का खूबसूरत नजारा देखा गया था जिसका आकार गोल रोल की तरह था। इस तरह के बादल तब बनते हैं जब ठंडी हवा जमीन की नरम और गर्म हवा को ऊपर उठाने का काम करती है। इस तरह ठंडी और गर्म हवाओं के आपस में मिलने की वजह से बादलों का आकार सामान्य ना होकर गोल रोल में परिवर्तित हो जाता है और इसी आकार में आगे बढ़ता रहता है। इस तरह के बादल की लंबाई काफी ज्यादा होती है जिसे एक छोर से दूसरे छोर तक देखना बेहद ही रोमांचक लगता है। वेल ऑफ हेल। कहा जाता है कि मरने के बाद बुरे इंसान की आत्मा को नर्क की याद में जलना पड़ता है, इसीलिए मनुष्य को जीते जी अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर हकीकत में एक ऐसी जगह है जिसे लोग नरक का कुआं कहते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यमन देश के रेगिस्तानी इलाके में ये कुआं है जिसे स्थानीय लोग नरक का कुआं कहते हैं। इस कुएं की गहराई 112 मीटर और चौड़ाई 100 फीट के आसपास है जिसके अंदर उतरने की हिम्मत किसी में नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कुएं के अंदर जिन रहते जो जिंदा इंसानों को श्रापित कर देते। हालांकि खोजकर्ताओं की टीम ने नरक के कुएं में उतरने का फैसला किया। इसके बाद उन्हें कुएं में कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली। इस कुएं के अंदर कई जगहों से पानी गिरता है जबकि यहाँ लाइमस्टोन की चट्टानें भी है। इतना ही नहीं, कुएं के अंदर जानवरों और पक्षियों के अवशेष भी खोजे गए जिन्होंने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी थी और उनके शवों की गंध पूरे कुएं में फैल गई। ये कुआं बाहर से दिखने में जितना खतरनाक लगता है इसके अंदर का नजारा उतना ही हैरान कर देने वाला था। हालांकि इस कुएं में हवा के प्रवाह के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है जिसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा देर तक ठहरा नहीं जा सकता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से व्यक्ति को घबराहट होने लगती है। लेकिन स्थानीय लोग आज भी नरक के कुएं के पास जाने से घबराते हैं जिसकी वजह से ये जगह आज भी श्रापित बनी हुई है। अर्थ पिरामिड। दुनिया के कई देशों में पिरामिड्स देखे जाते हैं और जिन्हें इंसानों के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी प्राकृतिक रूप से तैयार पिरामिड्स देखे जो दिखने में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय लगते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इटली के साउथ ट्रायोल शहर में धरती की सबसे रहस्यमय जगह है जहाँ अजीबोगरीब संरचनाओं वाली पिरामिड्स हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें अर्थ पिरामिड का नाम दिया है जो दिखने में काफी नुकीले आकार के होते हैं।
और उनके टॉप पर एक पत्थर होता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह के अर्थ पिरामिड तब बनकर तैयार होते हैं जब किसी इलाके में लगातार कई दिनों तक बारिश होती है और फिर अचानक से तेज धूप की वजह से सूखा पड़ जाता है। ऐसे में बारिश की वजह से मिट्टी का कटाव होता है, जबकि धूप की वजह से वही मिट्टी सूख कर सख्त रूप ले लेती है। इतना ही नहीं, पहाड़ के ऊपर चट्टानों को बारिश काट नहीं पाती है, जिसकी वजह से पिरामिड की चोटी पर पत्थर सुरक्षित रह जाता है और वो अर्थ पिरामिड को एक रहस्यमय रूप देने का काम करता है। इटली के जिस इलाके में ये रहस्यमय पिरामिड है उसके आसपास घना जंगल है। ऐसे में ये पिरामिड्स तेज हवा या तूफान के संपर्क में आने से बचे रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सालों साल तक कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि अर्थ पिरामिड प्राकृतिक रूप से नहीं बनते, बल्कि इन्हें कोई रहस्यमय शक्ति तैयार करती है और उनकी मौजूदगी के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर छिपा हुआ होता है। हवा में उड़ता हुआ रहस्यमय शहर। इस दुनिया में कई तरह के शहर है जो अपने किसी न किसी खासियत के लिए मशहूर है, लेकिन चीन में एक ऐसे शहर को भी देखा गया था जिसके अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। दरअसल साल 2015 में चीन के आसपास भी बादलों के बीच एक अजीबोगरीब नजारा देखा गया था, जिसमें पूरा का पूरा शहर आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहा था। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये उनकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब कई मिनटों तक बादलों के बीच तैरते हुए शहर की छवि साफ साफ दिखाई देती रही, लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, ये हवा में उड़ता हुआ शहर अपने आप आंखों से ओझल हो गया था। जानकारों का मानना है कि यह चीनी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया एक तरह का प्रयोग है, जिसमें वो आंखों को धोखा देने वाली नकली शहर को बनाकर लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बादलों के बीच दिखाई देने वाला शहर पैरेलल यूनिवर्स की निशानी है, जो हमारी धरती के शहरों के समान दिखाई देता है। हालांकि इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है, जबकि चीन की सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हवा में उड़ते हुए इस शहर के पीछे प्राकृतिक वजह जिम्मेदार होगी, जिसके बारे में इंसान को ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक चीन के इस रहस्यमय शहर के पीछे छिपी असल सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे। आग और पानी का अनोखा खेल। आग और पानी के बीच कभी मिलन नहीं हो सकता है, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने इंसान के नियम कानूनों की कोई औकात नहीं होती। ऐसे में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां हैंडपंप से आग और पानी एक साथ बाहर निकल रहे। इस नजारे को देखकर इलाके के लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए थे, जबकि कई लोग इसे देवताओं का चमत्कार बता रहे थे और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया था। लेकिन जब भूवैज्ञानिकों ने इस घटना पर रिसर्च शुरू की तो उन्होंने पाया कि जमीन के अंदर मीथेन गैस होती है, जो जमीन पर गड्ढा करने की स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। ऐसे में जब ये गैस बाहर निकलती है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग में बदल जाती है। ये आग गर्म तापमान की वजह से जमीन के अंदर दबाव पैदा करती है, जिसकी वजह से हैंडपंप से पानी छलकते हुए बाहर निकलता था। ऐसे में इस घटना के सामने आने के बाद ये कहा जा सकता है कि पानी में भी आग लग सकती है। सैंड रिवर। आपने नदी के साथ मिट्टी को बहते हुए तो कई बार देखा होगा, जो अक्सर पानी का बहाव कम होने के बाद किनारों पर इकट्ठा हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी रेत की नदी बहते हुए देखी है? तो साल 2015 में इराक से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया था, जिसमें रेत की नदी को बहते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में सफेद रंग की रेत को तेज गति के साथ बहते हुए देखा जा सकता है, जिसे एक शख्स अपने हाथों में उठाते हुए दर्शकों को दिखा रहा है। दरअसल इस घटना से कुछ दिन पहले इराक के गर्म इलाकों में तेज बारिश हुई थी, जिसमें आसमान से पानी के साथ गोले भी गिरे थे। ऐसे में ये गोले जमीन पर इकट्ठा हो गए और फिर रेतीले तूफान ने उन बर्फ के गोले को ढक दिया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर की रेत की एक पतली परत जम गई थी। लेकिन बढ़ते तापमान की वजह से बर्फ के गोले पिघलने लगे थे, जिसकी वजह से उसने पानी का रूप ले लिया और वो ढलानों की तरफ बहने लगा। इस तरह बर्फ के गोले के ऊपर जमी हुई रेत की परत भी पानी के साथ साथ बहने लगी, जिसकी वजह से देखने वालों को ऐसा लगा कि रेत की नदी बह रही है। रेड स्काई। दरअसल मई 2022 में चीन के जोहुशान शहर का आसमान अचानक से लाल रंग में बदल गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शहर में जल्द ही खून की बारिश होने वाली है।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जबकि कई लोगों ने लाल रंग के आसमान को फेक बताया था। लेकिन जब जोहुशान मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो ने इस घटना पर रिसर्च शुरू की तो इसकी सच्चाई जानकर हर कोई हैरान रह गया था। असल में जोहुशान शहर के मछुआरों ने नदी से मछलियों को पकड़ने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसमें नाव ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में लाल लाइट जलाई जाती है। लाल लाइट का प्रकाश इतना ज्यादा था कि वो पानी से टकरा रहा था और फिर वही प्रकाश बादलों तक पहुंच रहा था, जिसकी वजह से शहर के ऊपर बादलों का रंग खूनी लाल रंग का दिखाई देने लगा था। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि उस दिन शहर के ऊपर बादल बहुत कम ऊंचाई पर थे, जबकि आसपास कोहरा भी बहुत ज्यादा था। इस वजह से लाल लाइट आसानी से बादल और कोहरे के संपर्क में आ गई थी, जिसकी वजह से आसमान का रंग लाल दिखाई देने लगा था। लेकिन असल में आसमान का रंग लाल नहीं हुआ था, बल्कि लाल लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से बादल लाल रंग के दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस घटना की सच्चाई जब तक आम नागरिकों के सामने आई थी, तब तक पूरे शहर में अफवाह का बाजार गर्म हो चुका था। कोई इसे ईश्वर की नाराजगी बता रहा था, तो किसी को लग रहा था चीन में जल्द ही कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आने वाली है। यहाँ तक कि कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन लाल आसमान की सच्चाई सामने आने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। तो ये थी धरती पर होने वाली कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं, जिनके पीछे किसी न किसी रूप में प्रकृति की ताकत छिपी हुई थी। तो दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।